तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं 16 सेक्टर चंडीगढ़ में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं रोज़ फेस्टिवल 2022। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और अब हम ले चलते हैं आपको अंदर की ओर। तो गाइस आज हम पहुंचे हैं रोज़ फेस्टिवल 2022 चंडीगढ़ में और ये है 16 सेक्टर, देख सकते हैं आप। और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो मेन एंट्रेंस गेट है ये सजाया गया है और देख सकते हैं यहाँ पर खूबसूरत फूलों द्वारा इस जो एंट्रेंस गेट है वो सजाया गया है और यहाँ पर लोगों की भीड़। और अब आज हम आपको लेके जाने वाले हैं रोज़ फेस्टिवल में और ये है मेन एंट्रेंस गेट के बाद जो दूसरा गेट आता है वो ये है सामने वाला। तो हम आपको ले चलते हैं आपको मेन प्रोग्राम की ओर जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे फूलों से बने बहुत ही खूबसूरत कलाकृतियाँ। तो देख सकते हैं आप, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको विभिन्न प्रकार की यहाँ पर फूलों की प्रजातियाँ मिलेंगी। तो कुछ इस प्रकार का है पूरा यह रोज़ फेस्टिवल का जो फ्रंट वाला जो एंट्रेंस गेट है वहाँ से ये फूलें के जो यहाँ पर प्रदर्शनी आपको देखने को मिल रही है और इसी प्रकार के फूल आपको अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा कुछ इस प्रकार का है, यह पूरा एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो देख सकते हैं आप खूबसूरत नज़ारा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस आज हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ में और यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल हो रहा है और इधर देख सकते हैं लोगों की भीड़। अपने मनोज भाई भी हमारे साथ आज इस जो रोज़ फेस्टिवल है उसमें आए हुए हैं। तो कुछ इस प्रकार का माहौल है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा लोगों की भीड़ मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो हम आगे ले चलते हैं आपको और आज पूरा दिखाएँगे किस प्रकार का होता है यह रोज़ फेस्टिवल। तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और कमेंट करना ना भूलें। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा आज रोज़ फेस्टिवल में यहाँ पर लोगों की बहुत अत्यधिक यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर पंजाबी भांगड़ा भी चलता हुआ मेरे जस्ट पीछे। अब हम ले चल रहे हैं आपको अंदर की ओर और दिखाएंगे यहाँ पर अनेकों प्रकार की यहाँ पर फूलों की यहाँ पर प्रजातियाँ हैं। तो वो भी आज आपको हम दिखाएंगे पूरा अपने वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों द्वारा यहाँ पर मोर की आकृति यहाँ पर बनाई गई है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फूल देख सकते हैं आप। और सामने का नज़ारा देख सकते हैं यहाँ पर बहुत लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है इस रोज़ फेस्टिवल पे और लोग आए हुए हैं यहाँ पर इन फूलों को देखने के लिए जो कि अनेकों प्रकार की यहाँ पर आपको फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों के यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये कुछ इस प्रकार की है देख सकते हैं आप और ऐसी आप अपने घरों पर भी इस प्रकार की फूलों का डेकोरेशन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसी प्रकार का आप भी अपने घरों पर इसी प्रकार की प्लांटिंग कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पूरा खूबसूरत बनाया गया है यहाँ पर, तो एवरी ग्रीन लैंड स्पेस किस प्रकार से आप इन फूलों को अपने घरों पर लगा सकते हैं। तो सामने की ओर भी हम आपको ले चलते हैं और यहाँ पर भी दिखाते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर जो फूलों की प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, अलग अलग स्टॉल टाइप के यहाँ पर बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं आप पूरा ग्रीनरी यहाँ पर नर्सरी टाइप की यहाँ पर बनाई गई है। तो आज जो इस रोज़ फेस्टिवल हो रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है इन खूबसूरत जो यहाँ पर स्टॉल टाइप के लगाए गए हैं कि आप भी अपने घरों पर कुछ इस प्रकार के ही फूलों की गार्डन आप बना सकते हैं। तो ये देख सकते हैं पूरा नज़ारा भी देख सकते हैं, पूरी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनियाँ लगाई गई हैं, तभी स्कूली बच्चों द्वारा यहाँ पर ये खूबसूरत प्रदर्शनियाँ मैं उनके द्वारा यहाँ पर प्रतिभाग किया गया। तो उन्हीं छोटे छोटे बच्चों द्वारा यहाँ पर अपनी अपनी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। तो देख सकते हैं सामने, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत प्रजातियों के फूल आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे इस रोज़ फेस्टिवल में। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, गाइस कैसा लग रहा है आपको यह वीडियो? तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक और आज हम आपको पूरा
दिखाएंगे इस रोज़ गार्डन में किस प्रकार का, जब यहाँ पर फेस्टिवल होता है तो उसमें क्या क्या प्रोग्राम और फूलों की क्या क्या प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। इस ओर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूलों की यहाँ पर प्रजातियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस रोज़ फेस्टिवल पे। तो आप ज़रूर आएँ इस रोज़ फेस्टिवल में। तो आप भी अपने घरों में ये रोज़ जो फूल हैं अलग अलग प्रजातियों के, ये लगा सकते हैं और अपने घर की शोभा आप बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की भीड़। पर सपेरा वाले टोली यहाँ पर देख सकते हैं अपना, यहाँ पर आपको अपनी कला दिखा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये रोज़ का फेस्टिवल पर यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत रंगारंग कार्यक्रमों के बीच यहाँ पर रोज़ फेस्टिवल का आगाज हो चुका है इस चंडीगढ़ के 16 सेक्टर में। तो अब हम आपको ले चलते हैं रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। यहाँ पर पंजाब के बड़े बड़े सिंगर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सामने की ओर यहाँ पर स्वच्छ चंडीगढ़ मिशन, यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का यहाँ पर देख सकते हैं लोगो चंडीगढ़ का, और यहाँ पर लोगों द्वारा यहाँ पर अपने हस्ताक्षर किया जा रहा है इस स्वच्छता अभियान में कि हम भी आप इस स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत बढ़ चुके हैं और अपने साथ अब मनोज भाई और यहाँ पर अपने प्रकाश भाई भी आ चुके हैं। देख सकते हैं आज हमारे मित्र भी मिले हैं पुराने स्कूल टाइम के, और इस तरफ पूरा आज इस रोज फेस्टिवल का माहौल देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और नेक्स्ट टाइम जब आप भी चंडीगढ़ आएंगे तो रोज फेस्टिवल में जरूर आएँ। तो अब हम आ चुके हैं बैक साइड रोज़ फेस्टिवल के पीछे की ओर, जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम हो रहे थे उसके पीछे की ओर आ चुके हैं अब। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोगों की यहाँ पर अत्यधिक भीड़ देखने को मिलेगी आपको। देख सकते हैं यहाँ पर भी अंकल जी द्वारा बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग यहाँ पर गाया जा रहा है, और ये भी इस रोज़ फेस्टिवल में आए हैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। पर हो रहे हैं रंगारंग प्रोग्राम, तो देख सकते हैं यहाँ पर धीरज भी पहुंच चुका है और योगेश भी पहुंच चुका है यहाँ पर इस रोज फेस्टिवल पे, और इस तरफ भीड़ देख सकते हैं आप। देख सकते हैं यहाँ पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है इस रोज फेस्टिवल पे, मौसम भी बदल रहा है। Sa 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 s
यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राजस्थान के खूबसूरत यहाँ पर प्रस्तुति की जा रही है राजस्थानी कलाकारों द्वारा। इधर देख सकते हैं यहाँ पर स्लोगन हरियाली को बढ़ाना है और प्लास्टिक को हटाना है, कुछ इस प्रकार के यहाँ पर स्लोगन देख सकते हैं। छोटे बच्चे यहाँ पर इस स्लोगन के साथ स्वच्छ भारत अभियान के तहत यहाँ पर पहुँचे हैं। तो इधर देख सकते हैं पूरा आ गया। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।